दोस्तों, क्या आप भी किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जो जोर शोर से ये जताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट या जीनियस है, पर उसकी बातों और बिहेवियर से साफ साफ पता चल जाता है कि वो जैसा खुद को दिखा रहा है वो असल में वैसा है नहीं। पर वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके काम बहुत बड़े होते हैं, पर उन्हें देख के या उनकी बातों से आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि वो एक जीनियस है, क्योंकि एक जीनियस हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, यानी वो जितने स्मार्ट और जीनियस होते हैं उससे कम ही खुद को समझते हैं। इवन अगर आप उन्हें कहो भी कि तुम इंटेलिजेंट हो या तुम जीनियस हो, तो फिर भी वो आपकी बात नहीं मानेंगे। असल में कई बार तो उन्हें खुद को ये पता नहीं होता कि वो बाकियों से अलग हैं और एक जीनियस है। लेकिन कैसे पता चलता है कि कोई पर्सन जीनियस है या नहीं, तो इसीलिए हम आपके साथ कुछ ऐसे साइंस शेयर करेंगे जो ये बताते हैं कि एक पर्सन रियल में जीनियस है। हो सकता है ये साइंस आपके अंदर भी हो और आपकी भी जीनियस लेवल की इंटेलिजेंस हो। सो नंबर वन, दे लाइक टू बी अलोन एंड क्वाइट। एक्चुअली जो लोग अक्सर दूसरे लोगों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते, लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, उन्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है, तो ऐसे लोगों को बाकी लोग सीधा शर्मीला, बेवकूफ, इंट्रोवर्ट, रूड या फिर एटीट्यूड वाला पर्सन समझने लगते हैं। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, लैरी पेज, वॉरेन बफेट, आइजक न्यूटन और इलॉन मस्क जैसे कई जीनियसेस में एक बात कॉमन देखी गई है कि ये सभी अकेले रहना और दूसरों से ज्यादा बात ना करना पसंद करते हैं। इवन एक स्टडी के अकॉर्डिंग जिन लोगों को दूसरों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही उन्हें लोगों से मिलना, उनके साथ घूमना ज्यादा पसंद नहीं होता, उन लोगों का दिमाग दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा तेज और फोकस रहता है। अगर आप एक जीनियस पर्सन हो तो आपको अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद होगा। ये एक सबसे बड़ा साइन है जो एक जीनियस को एक एवरेज पर्सन से अलग बनाता है, क्योंकि कई बार लोग अकेले पढ़ने पर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें हमेशा कोई ना कोई अपने साथ चाहिए होता है जिससे वो बात कर सके या अपना टाइम पास कर सके, तो वो अपना टाइम किसी और चीज में लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं जीनियस लोगों का फेवरेट टाइम ही वही होता है जब वो अकेले होते हैं, जहां वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, जिस टाइम को वो अच्छे से यूज भी करते हैं, जहां वो एक्टिव इमेजिनेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं या सिंपली लाइफ के बारे में सोचते हैं। लेकिन कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसे लोग बहुत रूड होते हैं या ऐसे लोगों के ज्यादा दोस्त नहीं होते। ऐसे लोग जो बाकी लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, उनके अंदर एटीट्यूड होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। जीनियस लोग दूसरों से ज्यादा खुद पे रिलाई करते हैं, जो कि उनको एक स्ट्रांग एडवांटेज देता है। दे टेक कॉशियस एंड कैलकुलेटेड रिस्क। दोस्तों, हमारे फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी की एक बात हमें हमेशा याद रहती है, जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही थी कि लाइफ में रिस्क लेना जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ रिस्क लेने के लिए यूं ही कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको हमेशा प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ, बट एट द सेम टाइम No, you have to be calculated. और दोस्तों, उनकी यही बात हम खुद अपनी लाइफ में भी हमेशा अप्लाई करते हैं। अब देखो, वैसे तो बिल गेट्स, जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्क टेकर भी माना जाता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट करने के लिए हार्वर्ड से ड्रॉप आउट कर दिया था, इसीलिए वो एक जीनियस और रिस्क टेकर है। जबकि सच तो यह है कि वो एक जीनियस इसलिए है क्योंकि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने के बाद भी कुछ समय तक हार्वर्ड से ड्रॉप आउट नहीं करा था, ये जानते हुए भी कि उनका आइडिया बहुत यूनिक है। उन्होंने इमीडिएटली अपना कॉलेज छोड़ के उस पे फुल टाइम काम नहीं करा, बल्कि उन्होंने पेशेंटली वेट करा, और जब उन्हें लगने लगा कि वो इससे अपनी लिविंग मेंटेन कर सकते हैं, तब जाके उन्होंने हार्वर्ड से ड्रॉप आउट करा। और ज्यादातर जीनियसेस में ये क्वालिटी देखी जाती है कि उनका रैशनल माइंड बहुत एक्टिव होता है, वो हर डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेते हैं, इसीलिए वो यूं ही सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग रिस्क नहीं ले लेते, बल्कि वो अपने रैशनल माइंड का यूज करके कैलकुलेटर रिस्क लेने का ही ट्राई करते हैं। दे टॉक टू देमसेल्व्स अ लॉट। काफी रिसर्चेस के बाद देखा गया है कि जीनियस लोग सबसे ज्यादा खुद से बात करते हैं, क्योंकि एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में US बेस्ड साइकोलॉजिस्ट्स डैनियल स्विंगली एंड गैरी लुपियन ने देखा कि सेल्फ टॉक से तीन मेजर कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है कि उससे मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, वो पर्सन ज्यादा चीजें याद रखने लगता है, और साथ ही इससे वो रेजर शार्प फोकस डेवलप करने लगता है। कई बार आपने भी नोटिस करा होगा कि आप खुद से बात करने में इतना बिजी हो जाते हो कि आप आसपास की चीजों से डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होते, आप उस एक मोमेंट में थम से जाते हो, आपके आसपास क्या चल रहा होता है उससे आप कट होके सिर्फ उस एक थॉट में डूब जाते हो, जिससे आपको उस एक थॉट पर पूरा फोकस करके क्लैरिटी मिलती है। और यही सेम प्रोसेस अगर हम हर रोज बार बार करते रहते हैं, तो हम अपने एनवायरनमेंट और किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हमारा फोकस और क्लैरिटी हमारी लाइफ के, खुद के और हर चीज के प्रति बढ़ता रहता है। सो अगर आप भी खुद को अक्सर अपने आप से बात करते हुए पाते हो और आपका ज्यादातर टाइम अपने ही दिमाग में खुद से बात करते हुए बीतता है, तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी जीनियस लेवल की इंटेलिजेंस है। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी।
दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि सिर्फ क्वालिटी ही इम्पोर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस्ड और थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की ही इम्पोर्टेंस समझते हैं, क्योंकि असल में आपके एक्शंस की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ही आपको क्वालिटी की तरफ ले जाती है। आप सीधा ही सिर्फ कुछ एफर्ट्स में क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर ने दो डेकेड्स में 37 प्लेज और 154 सोनेट्स लिखे थे। आइंस्टाइन को उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है, लेकिन साइंस की फील्ड में उनके नाम के 248 पब्लिकेशंस भी रजिस्टर्ड है। इवन डीन साइमंटन की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हाईली क्रिएटिव लोग हर बार बेटर और क्वालिटी आइडिया जनरेट नहीं करते, बल्कि वो बस बाकी लोगों से ज्यादा आइडिया जनरेट करते हैं, जिसमें से एक सक्सेसफुल या बेस्ट क्वालिटी वाला आइडिया बन जाता है। इससे रिलेटेड एक स्टडी भी करी गई थी, जिसमें दो ग्रुप्स को एक पॉट बनाने को कहा गया। एक ग्रुप को बोला गया कि आपको मिलके जितने ज्यादा हो सके उतने पॉट्स बनाने हैं, वहीं दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आपको एक ही पॉट बनाना है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का हो। जिसके रिजल्ट में ये देखा गया कि जिन्हें ज्यादा क्वांटिटी में पॉट्स बनाने के लिए बोला गया था, उसमें कुछ पॉट्स की क्वालिटी उन पॉट्स से बहुत ज्यादा अच्छी थी जिन्हें सिर्फ एक ही हाई क्वालिटी पॉट बनाने को कहा गया था। तो इन शॉर्ट, जीनियस लोग बेस्ट क्वालिटी या बेस्ट आइडियाज का वेट नहीं करते, बल्कि वो अपने आइडियाज, एफर्ट्स और एक्शंस की क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं, जिसमें से उनका कोई एक आइडिया बेस्ट क्वालिटी लाके सक्सेसफुल हो जाता है। रिमेम्बर, क्वालिटी लाने के लिए पहले क्वांटिटी जरूरी है। दे ओवरथिंक अ लॉट। दोस्तों जीनियस लोगों का माइंड बहुत ही ज्यादा तेज काम करता है, जो आसानी से रिलैक्स नहीं कर पाता, हमेशा किसी प्रॉब्लम या सोल्यूशन में उलझा ही रहता है। इसी वजह से उनमें ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और स्ट्रेस के साइंस भी देखे जाते हैं, और इसी ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस के कारण उनमें बैठे बैठे पैर हिलाने, देर रात तक जागने या नाखून चबाने जैसी कई डिफरेंट आदतें देखी गई हैं। इवन जर्नल ऑफ बिहेवियर थेरेपी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकियाट्री में पब्लिश्ड हुई एक रिसर्च में एक साल तक कुछ पार्टिसिपेंट्स को ट्रैक करा गया, और पता चला कि जिन लोगों को नाखून चबाने की आदत थी उनका आईक्यू लेवल बाकी लोगों से ज्यादा देखा गया था। ऐसी ही कई वियर्ड हैबिट्स जीनियस लोगों के अंदर होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इंसान ज्यादा सोच में पड़ जाता है तो कई लोगों में नेल बाइटिंग जैसी कई वियर्ड हैबिट्स इनवॉलंटरी एक्शन बन जाती हैं, जो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर की तरह भी काम करती हैं। क्योंकि कई बार जीनियस इंटेलिजेंस वाले लोग चीजों के बारे में इतना डीप लेवल पर सोचते हैं या ओवरथिंक करते हैं कि जिससे फिर उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम्स बिल्ड हो जाते हैं। दे प्रोक्रेस्टिनेट फॉर देयर ओन बेनिफिट। अमेरिकन साइंस ऑथर एंड प्रोफेसर एडम एम ग्रांट कहते हैं कि माना प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी प्रोडक्टिविटी का दुश्मन हो सकता है, लेकिन यही प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी क्रिएटिविटी का भी रिसोर्स हो सकता है। अब अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब टालम टोली करना, किसी काम को अभी ना करना और उसे बाद के लिए टालना होता है। लेकिन हमें तो अक्सर ये कहा जाता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बुरा होता है। कई सेल्फ हेल्प बुक्स में ये बात लिखी गई है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करना ही होगा, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन कभी कभार कुछ टाइम के लिए किसी चीज को टालना और फिर कुछ टाइम बाद उस पर फिर से काम करना, ये आपकी आदत आपकी क्रिएटिविटी को और इंक्रीज करती है, जिसे गुड प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहा जा सकता है। तभी कई का बेस्ट वर्क प्रोक्रेस्टिनेशन का ही रिजल्ट है। लियोनार्डो द विंची ने वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पेंटिंग मोनालिसा को ईयर 1503 में बनाना शुरू किया था, जिसे फिनिश करने में उन्हें 16 साल लग गए, और जब वो ऑलमोस्ट अपनी डेथ के क्लोज आ गए थे तब तक वो इस पेंटिंग पर काम करते रहे। बट ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना सारा काम छोड़कर वो बस इसी पेंटिंग को बना रहे थे, बल्कि वो एक पेंटर के साथ इंजीनियर, साइंटिस्ट, थियोरिस्ट, स्कल्पचर और आर्किटेक्ट भी थे, और कई हिस्टोरियंस ने ये कंफर्म करा है कि वो इस पेंटिंग पे ऑन एंड ऑफ काम कर रहे थे। इवन लियोनार्डो द विंची को इस वर्ल्ड के कुछ सबसे बड़े जीनियस और प्रोक्रेस्टिनेटर्स में भी गिना जाता है। दे यूजुअली हैव हायर सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों आपने अभी तक जान लिया होगा कि जीनियस इंटेलिजेंस वाले लोगों के अंदर कुछ अच्छी आदत भी होती है और कुछ बुरी भी, लेकिन उन्हीं आदतों में से उनकी एक अच्छी आदत ये भी होती है कि वो अपने सभी आदतों को अपने हाई सेल्फ कंट्रोल की वजह से कंट्रोल भी कर लेते हैं। सेल्फ कंट्रोल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, और अगर आपका अपने ऊपर बहुत हाई सेल्फ कंट्रोल है तो आप एक जीनियस पर्सन हो, क्योंकि आप अच्छी तरह से सेल्फ अवेयर ही नहीं हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, बल्कि उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। 2009 की येल स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को आईक्यू टेस्ट करने को दिया और उन्हें ऑप्शन दिया कि इस आईक्यू टेस्ट के बदले उन्हें रिवॉर्ड मनी दी जाएगी, पर उनके पास ऑप्शन था कि वो आईक्यू टेस्ट देने के बाद इमीडिएटली ये रिवॉर्ड ले सकते थे या फिर वेट करके बाद में ले सकते थे। जिन लोगों ने अपने रिवॉर्ड्स के लिए वेट करा उन लोगों के आईक्यू टेस्ट में बाकियों से हाई स्कोर्स थे, जिससे एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूड करा कि जो लोग इम्पल्सिव डिसीजंस को रेजिस्ट यानी कंट्रोल करते हैं और खुद के इमोशंस और एक्शंस पर अच्छे से कंट्रोल रखते हैं वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।